हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे लेट अस डू चैप्टर 1 टेंसेस ऑफ क्लास 8 स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में पूरे 16 एक्सरसाइजेस हैं चिल्ड्रन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8 तक करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, हम यहाँ पे वर्कशीट 1 से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में जैसे दिया है उस अकॉर्डिंग मैं पूरा आपको समझाऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको एक टेंसेस का चार्ट दूंगी, ठीक है। उस टेंसेस के चार्ट को आप प्लीज़ पूरा अटेंशन के साथ देखना। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, इस साइड देखो सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, तो यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के यहाँ पे आपको फॉर्म्स आ गए हैं। नाउ अब हम यहाँ पे जा रहे हैं वर्कशीट 1 के ऊपर। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। एवरी नाइट शी रीड्स फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। सी यहाँ पे देखो रीड्स, इसको हाईलाइट किया हुआ है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे पीछे एस क्यू आया है, क्योंकि शी जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है पीछे वर्ब के एस आता है। कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है जो वर्ब के पीछे यस या ईएस लेता है, तो यहाँ पे यस आ रहा है। तो रिमेंबर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के पीछे यस या ईएस आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ओके, फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड। एट टाइम्स शी नरेट्स। इसके पीछे देखो एस आया, ये वर्ब नरेट है। नरेट्स यानी बोलना, स्टोरीज को नरेट करना, बोलना। दीज स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर स्वामी एंड फ्रेंड्स बाई आर के नारायण इज रुचिज फेवरेट बुक। हाउएवर दीज डेज शी इज रीडिंग मालगुडी डेज। देखो यहाँ पे दीज डेज बोला ना, हाउएवर दीज डेज। अब यहाँ पे ले लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे मालूम पड़ा आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? इज है इसमें, ओके, आई एन जी है। इज जो है प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब आप आई एन जी देख रहे हो तो इमीडिएटली रियलाइज करना कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तभी पीछे आई एन जी लगा है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे जैसे आप मेरे साथ पूरा चैप्टर करोगे चिल्ड्रन, आपको पूरे रूल्स जो हैं समझ में आते हुए जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, रिमेंबर इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी। यहाँ पे जो इज दिया हुआ है ना, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि ये बी फॉर्म वर्ब्स होते हैं। तो इज है सिंपल प्रेजेंट टेंस है बी फॉर्म वर्ब्स का। बी इज यूज्ड एज आई एम, आई के साथ बी फॉर्म वर्ब एम यूज होता है। ही शी इट के साथ इज यूज होता है। वी यू दे के साथ आर यूज होता है। तो क्या है, इज एम आर तीनों भी बी फॉर्म वर्ब्स हैं। क्या इसके अलावा भी और हैं? हाँ और हैं, बट ये बी फॉर्म वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या हैं? इज एम आर। सी यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी लिखो। ओके, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट। यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों दिए हुए हैं चिल्ड्रन। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में देखो, टू टॉक अबाउट हैबिट्स रूटीन्स और एक्शंस दैट आर डन रिपीटेडली। जो एक्शंस रोज होते हैं, जैसे डेली आई गो टू पार्क फॉर द वॉक, तो यहाँ पे वॉक जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है। अब जो भी हम काम रूटीन में करते हैं, जैसे आप स्कूल रोज जाते हो, एवरी डे आई गो टू स्कूल, तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। एंड देन टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच्चाई है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे चीज़ों को हम हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ जो हैं हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। टू एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, तो इनको भी इंपरेटिव सेंटेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये कब यूज़ होता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो उस टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और दूसरा जो पॉइंट है, टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दीस डेज। देखो यहाँ पे दीस डेज एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बोल रहे हो तभी नहीं, दीस डेज करके यूज़ होता है, तो तब भी हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस है तो आई एन जी है। ओके, आई एन जी है ना वर्ब के पीछे, तो जब भी आप आई एन जी देखो कि रिमेंबर कि ये कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस टेंस। अगर इज देखो, एम देखो, आर देखो उसके पहले, तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके,
नाउ यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखो, योगा इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन। अब बी फॉर्म दिया है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमने ईज यूज़ किया है। अब यहाँ पे हेल्प दिया हुआ है, पीछे इस लिखा हमने, क्यों लिखा, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या ये सही है कि इट हेल्प कहें, नो रॉन्ग है। अगर आप इट हेल्प लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, पीछे ये आना कंपलसरी है बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और हम इसको कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। ओके, इट ओनली एनश्योर्स, पीछे मैंने वापस एस लिखा है चिल्ड्रन, तो इसको प्लीज नोट करना, पीछे यस आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये फर्स्ट रूल है, राइट इट डाउन। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे यस आएगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट नॉट ओनली एनश्योर्स डिसिप्लिन बट ऑल्सो टीचर्स हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल्स, इट टू ट्रेन्स, अगेन एस क्यों आया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट ट्रेन्स अस टू चैनलाइज सरप्लस एनर्जी इन ए पॉजिटिव मैनर, योगा एक्ट्स एज ए मैजिक हीलर, अगेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, पीछे यस आया है, इट अनरेवल्स मेनी हिडन क्वालिटीज दैट वी पोसेस। अब यहाँ पे देखो, वी प्लूरल है ना, इसलिए पोसेस जो है पोसेस ही आया है, इसके पीछे कोई एस या ई एस नहीं आया है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं हम पार्ट सी के ऊपर। Imagine yourself to be a TV news reporter. वाह, न्यूज रिपोर्टर बन गए आप। You have been asked to cover a live festival program going on in the city. ये सिटी है और यहाँ पे लाइव फेस्टिवल हो रहा है, तो ये assume करना है भाई, assume करके लिखना है। ओके, गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ द फेस्टिवल, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट वॉट वेरियस पीपल आर डूइंग, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, यहाँ पे देखो, इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपके लिए इस पिक्चर में से, इसने यहाँ पे लिखा है, वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सिटी कार्निवल, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द लाइव कवरेज ऑफ द फेस्टिवल, द मेयर इज डिलीवरिंग हिज स्पीच, ये मेयर है। ओके, तो ये स्पीच डिलीवर कर रहा है, his speech and his bodyguards are keeping an eye on the crowd, see ये इसके bodyguards हैं, तो ये crowd को देख रहे हैं। अब इसके अलावा आप अपनी language को use कर सकते हो क्या यहाँ पे, हाँ surely, पूरे किस में लिखने हैं, simply आपको यहाँ पे present continuous tense को use करना है, जैसे मैंने लिखा है, आप चाहिए तो इसको भी लिख सकते हो या अपना own creative thinking use करके आप sentences बना सकते हो। People are standing, are है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब लिया हमने, पीपल है तो प्लूरल है ना, इसलिए आर लिया है, स्टैंडिंग आई एन जी लिया है क्योंकि हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर रहे हैं। पीपल आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट स्टॉल्स टू परचेज देयर फेवरेट ईटेबल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने लिखा है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, सम पीपल आर लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द मेयर, द गार्ड्स आर डूइंग देयर ड्यूटी। ओके, नाउ वर्कशीट टू जो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। ओके, नाउ आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड, ये क्या है, दिस इज़ ए हैबिट, ये हैबिट है ना कि एवरी वीकेंड मैं जाता हूँ, तो ये हैबिट है, तो ये हैबिट्स के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, विच टेंस इज दिस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम गोइंग, अभी मैं जा रहा हूँ, तो जो काम हम अभी करते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है वो उसी चीज़ को आपको इसने यहाँ पे रिमेम्बर में दे रखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब रूटीन हैबिचुअल एक्शंस एक्शंस, और यहाँ पे एक और जो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो इसने नहीं दे रखा है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सारे जो हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होते हैं। हम कभी ये नहीं कहते ना द सन राइज्ड इन द ईस्ट, तो आज भी तो सुबह भी तो आज सुबह भी तो ईस्ट से ही तो राइज हुआ है और कल भी तो ईस्ट से ही राइज होगा, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं और इसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। ओके, Now that are happening all the time and not particularly at the time of speaking. Whereas present continuous tense is used to describe actions happening now. जो अभी actions हो रहे हैं उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे,
present continuous tense at the time of speaking. Okay, now let us move to B section. Read the passage given below and fill in the blanks with the correct form of the verbs, either simple present or present continuous. अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रही हूँ उन चीज़ों को नोट करते हुए जाना चिल्ड्रन इसमें, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कब सिंपल प्रेजेंट और कब प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमें यूज़ करना है. तानवी एंड धारणा आर सिटिंग वेरी क्वाइटली इन देयर रूम. ये अभी बैठे हैं. ओके, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है कि इनकी हैबिट है करके. अब यहाँ पे देखो इमीडिएटली आ गया यूजुअली. यूजुअली माने ये हैबिट है. ऐसे वर्ड्स जब देखो ना आप, यूजुअली, डेली, समटाइम्स, रेयरली, अकेशनली, तो ऐसे जो वर्ड्स जब भी आते हैं आप समझ लेना ये हैबिट्स बता रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे यूजुअली आया तो ये इनकी हैबिट बता रहा है. When they are alone, they make a lot of mischief. ये उनकी हैबिट है, जब भी अकेले होते हैं बहुत शरारत करते हैं. But today they are waiting patiently for their mother. अब यहाँ पे इसने but बोला, यानी कुछ कॉन्ट्रा में बता रहा है हमें, और यहाँ पे बोला today, आज. They are waiting patiently for their mother. तो यहाँ पे हमने present continuous tense को use किया है. Present का verb आ गया are. क्यों? सब्जेक्ट प्लूरल है ना, दे बोला, इसलिए आर को यूज़ किया. और वेट के पीछे आई एन जी क्यों आया है? क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर रहे हैं. ओके, हु हैज़ प्रोमिस्ड टू टेक देम फॉर फन राइड्स इन द इवनिंग. मदर ने प्रोमिस किया था. तानवी इज़ कलेक्टिंग हर बुक्स. अभी ये काम कर रही है तानवी, कलेक्ट कर रही है अपने बुक्स को. एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली, तो ये वर्क कर रही है ना, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लिया है. तानवी सिंगुलर है तो हमने ईज लिया, और कलेक्ट के पीछे आईएनजी लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. धारणा इज कीपिंग हर टॉयज इन द रैक. शी यूजुअली, अब देखो यहाँ पे यूजुअली आ गया, ये हैबिट बता रहा है. ओके, तो हमें इमीडिएटली रियलाइज करना है कि जैसे ही वर्ड यूजुअली, डाइली, अकेशनली, समटाइम्स, रेयरली देखेंगे, हमें इमीडिएटली रियलाइज करना है कि यहाँ पे ये हैबिट बता रहा है. और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जाएंगे और वर्ब के पीछे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस लगेगा. लाइक्स, शी लाइक्स टू कीप देम ऑन हर बेड. तानवी टू प्रिफर्स टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल. तानवी भी अपने बुक्स को कहाँ रखती है? टेबल पे. ओके, तो ये उसकी हैबिट है. बट टुडे शी इज अरेंजिंग देम ऑन हर बुक शेल्फ. लेकिन आज वो अरेंज कर रही है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट मोहित. अब ये मोहित जो है सेकंड पैसेज में है. नाउ मोहित गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली. अब ये देखो डेली वर्ड आ गया तो ये इसके हैबिट्स बता रहा है. सारे जो है अब ये इसके हैबिट्स हैं. गोस, गो है तो पीछे हमने ES ऐड किया है. क्यों? मोहित सिंगुलर है. ही गेट्स अप एट 5:30 AM, ये भी हैबिट है. एंड गोज फॉर ए ब्रिस्क वॉक इन द पार्क नियर बाय. ही कम्स बैक एट 6:30 एंड लीव्स फॉर ए स्कूल एट 7:30. सारे मोहित के हैबिट्स हैं. टुडे ही इज नॉट फीलिंग वेल. यहाँ पे नॉट दे दिया, फील दे दिया. अब यहाँ पे बोल दिया कि सारी उसके हैबिट्स बता के जब टुडे लेके आ रहा है तो आपको रियलाइज होना है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करेंगे. नॉट दिया यानी नेगेटिव फॉर्म है. मोहित सिंगुलर है इसलिए हमने ईज को यूज़ किया है. फील जो है उसके पीछे आईएनजी ऐड हुआ है. सो ही इज थिंकिंग ऑफ रीडिंग अ बुक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हिज डेली वॉक. चिल्ड्रन, अगर आपको समझ में आया है तो मुझे एक लाइक ज़रूर देना. प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. हाँ, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 3. सी, ये नॉन एक्शन वर्ब्स की एक्सरसाइज है. यहाँ पे देखो आपको कुछ लिस्ट ऑफ नॉन एक्शन वर्ब्स दे रखे हैं. यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखे हैं नॉन एक्शन वर्ब्स के. तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स जो हैं इसका मतलब है कि इनके पीछे आईएनजी नहीं लगती है. बहुत रेयरली यूज़ होता है, जनरली इनके पीछे आईएनजी नहीं लगती. जैसे सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे कि रेयरली करके दिया हुआ है कि एक एक्शन को, कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आईएनजी में यूज़ करते हैं बट बहुत रेयरली यूज़ होते हैं वो भी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप आ रहे हो नॉन एक्शन वर्ब्स पे, आई लाइक दिस ड्रेस, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं वर्ब लाइक को. तो ये टिक है. आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है. ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है. जनरल इंग्लिश में सब बोल लेते हैं बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है. ओके, रवि इज़ वॉन्टिंग टू टॉक विथ यू. इज वॉन्टिंग कभी यूज़ नहीं करते हैं, ये भी रॉन्ग है. सो द करेक्ट सेंटेंस इज रवि वॉन्ट्स टू टॉक विथ यू. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन.
द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड. सी ये ठीक है, द रूम फ्रेशनर इज स्मेलिंग गुड नहीं बोलते हैं. तो या तो यहाँ पे क्रॉस कर लो, मैंने छोड़ दिया है. ही नोस योर डैड, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं नोस को भी. तो दिस इज द टिक वन, ही इज नोइंग योर डैड. भाई ऐसा सेंटेंस नहीं है, आई एम नोइंग ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं. ही इज नोइंग योर डैड ऐसा नहीं बोलते हैं. शी ओन्स दैट हाउस, ये टिक है. शी इज ओनिंग दैट हाउस रॉन्ग है. आई हियर सम नॉइसेस फ्रॉम द रूम, टिक है. आई एम हियरिंग सम नॉइसेस फ्रॉम द रूम, रॉन्ग है. ऐसे एक सेंटेंस मैं बताती हूँ. आई एम हैविंग पिज्ज़ा, यानी मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, ये सही है. आई एम हैविंग अ पेंसिल, ये बिल्कुल रॉन्ग है. आई एम हैविंग ए पेंसिल का मतलब है मैं पेंसिल खा रही हूँ भाई, तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते. आई हैव ए पेंसिल, ओके. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अभी देखो, दिस वन इज़ वेरी ईजी. मुझे पता है कि आप अपने आप लिखोगे सारे आंसर्स, तो यहाँ पे तो वीडियो को पॉज करना और सारे आंसर्स लिखने के बाद वापस आके चेक करना है कि आपके आंसर्स सही हैं कि नहीं है, तो आपको भी पता चले कि आपने सीखा है घर के. तन्मय कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स, इट इज़ हिज हॉबी. क्लियरली बता दिया है कि हॉबी है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है, वर्ब जो है उसके पीछे एस को ऐड करना है. नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड वन. तन्मय इज कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स दीज डेज. दीज डेज आ गया, तो इज कलेक्टिंग, इज लिखा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, कलेक्ट के पीछे आई एन जी एड हुआ है. ही हैज टू प्रिपेयर ए बॉटनी प्रोजेक्ट, ओके. नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन. होटल्स इन गोवा आर यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव, बट नाउ दे आर स्लैशिंग देयर रेट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन. बट नाउ, जब जैसे ही आपने नाउ देखा, तो यहाँ पे आपको रियलाइज करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे यूज़ करना है, दे प्लूरल है इसलिए आर यूज़ हुआ है और स्लैश के पीछे आई एन जी आएगा, ओके. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली वर्क फॉर 8 hours अ डे, बट ऑन अकाउंट ऑफ द करेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन दे आर वर्किंग फॉर ओवर 12 hours अ डे. यूजुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वर्क के पीछे कोई एस नहीं लगेगा क्योंकि इंजीनियर्स जो है प्लूरल है. अब नाउ यहाँ पे दे है, तो यहाँ पे आर यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर रहे हैं पीछे आई एन जी को लेके. और लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. ध्रुव ओन्स दिस ब्यूटिफुल पेंसिल बॉक्स, ओन है तो उसके पीछे एस यूज़ हो रहा है. यहाँ पे ओन कभी भी आई एन जी फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, पीछे हमने देख लिया था कि नॉन एक्शन वर्ब है. See now, let us look at the sixth one. You are looking fit these days. These days use हुआ है ना, तो इसलिए हमने look का looking लिया है. और you जो है plural sense देता है, you के लिए हम verb are को use करते हैं, तो you के साथ are आएगा. You are looking fit these days. Now यहाँ पे are you going to aerobic classes एक question है, इसलिए are को हमने पहले लिया है. Are you going to aerobic classes? Now the answer is no. I am not going to any aerobic classes. तो इसी टेंस में हम आंसर देंगे. I just go for a morning walk regularly. Regularly word use हुआ है, तो हम यहाँ पे simple present tense को लेंगे. I just go for a morning walk regularly. Is Manya ready for the school? No, she is having her bath. Having का मतलब है यहाँ पे taking her bath. तो have के साथ यहाँ पे ing form use हुआ है. See now, let us look at the C section. Read the following sentences. They have a beautiful house. ये बहुत important है children, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ. They have a beautiful house. Have यहाँ पर आपको दिखा रहा है possession. Possession माने किसी चीज़ को हमें belong करना, कि ये मेरी है, okay? Shows possession. Have दिखा रहा है आपको possession बताता है. जब आप possession बता रहे हो तो पीछे ing form को use नहीं करेंगे, ओके. दे आर हैविंग ए ब्यूटीफुल हाउस बिल्कुल नहीं बोलेंगे, दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस बोलेंगे क्योंकि ये पोजिशन है. अब दे आर हैविंग लंच, ये एक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं. सेम केस यहाँ पे था, ये एक्शन था. हैविंग हर बात, वो नहा रही है, इट्स एन एक्शन, तो यहाँ पे हमने इज हैविंग बोल दिया, ठीक है. तो एक्शंस के लिए हम हैव के साथ आई एन जी को यूज़ करेंगे. जब पोजिशन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि ये पेंसिल, I have a pencil. तो I am having a pencil wrong है, ये position है. Position के लिए हम यहाँ पे ing को पीछे नहीं बोलेंगे.
Now let us look at the exercise. A few more verbs that can be used as both action and non-action verbs are given below. Use them in sentences of your own in both the ways. See, think आपको action word में use करना है, non-action word में use करना है. I am thinking hard to solve this puzzle. जब action है तो हम thinking को ing में लिखते हैं. Now यहाँ पे non-action है. I think you are right. ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि I think you are right. हम यहाँ पे कोई think नहीं कर रहे हैं. तो without action हम बोल रहे हैं. तो this is a non-action word. अब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि I am thinking you are right. ये नहीं बोल सकते. तो यहाँ पे ये wrong हो जाएगा. I am thinking. Now let us look at the second one. Feel. The doctor is feeling the patient's pulse. हाथ में पकड़ के पल्स को चेक करना ये action है. तो डॉक्टर जब चेक कर रहा है तो हमने यहाँ पे एक एक्शन वर्ड के लिए आईएनजी लिखा है. आई फील अनवेल टुडे. मेरी तबीयत सही नहीं है. सो दिस इज़ ए नॉन एक्शन. आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो चिल्ड्रन. ओके, आप ट्राई करना. ये थोड़े से हार्ड होते हैं लिखने के लिए, बट स्टिल यू कैन टेक इट ट्राई. अ ब्रदर इज़ टेस्टिंग द सूप. ये एक्शन है. द सूप टेस्ट गुड. नॉन एक्शन है. ओके, अब आया समझ में कि पीछे जो ये नॉन एक्शन वर्ब्स करके दे रखे थे ना, कि इनको जब भी आप नॉन एक्शन में यूज़ करते हो वहाँ पे आप आईएनजी का फॉर्म नहीं लेते हो इन सारे वर्ड्स में. बट सम टाइम रेयरली जब आप इस इन्हीं वर्ड्स को आप एक्शन के लिए यूज़ कर लेते हो तो वहाँ पे आप आईएनजी का फॉर्म यूज़ करते हो. ओके, तो ये ऐसे बोल सकते हो कि आई एम टेस्टिंग द सूप. ऐसे बोल सकते हैं. ओके, स्मेल. आई एम स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज. ये एक्शन है. रोज स्मेल्स गुड. रोज की स्मेल जो है वो अच्छी होती है. तो आप यहाँ पे नॉन एक्शन के लिए रोज स्मेल्स गुड. अब अगर आपने यहाँ पे बोला ना कि रोज इज स्मेलिंग, तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे रोज इज स्मेलिंग लिली. रोज जाके लिली फ्लावर को स्मेल कर रहा है, तो ऐसा सेंस आएगा. पता है कि कितना ब्लंडर हो जाता है ये. तो इसलिए नॉन एक्शन वर्ब्स को हम कभी भी पीछे आईएनजी में यूज नहीं करेंगे. ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 4. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आई मिस्ड माय बस एंड रीच्ड द ऑफिस लेट. माय बॉस वाज फ्यूमिंग विथ एंगर. ही हैड ऑलरेडी असाइन माय वर्क टू ए कोलीग. देखो ये कौन सा टेंस है. ईडी सिंपल पास्ट टेंस है. ओके, किसी वर्ब के पीछे आप ईडी देखो तो वो कौन सा टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस है. अब यहाँ पे वॉज है, पीछे आईएनजी है, तो ये कौन सा टेंस है. ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब यहाँ पे देखो हैड असाइंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. चिल्ड्रन आगे आएगा ये. यहाँ पे मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कैसे पहचानते हैं. ठीक है, आगे मैं इसको बहुत क्लियरली समझाऊंगी. सी चिल्ड्रन, यहाँ पे क्लियरली एक चार्ट दिया हुआ है. मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, बट यहाँ पे अब हम सिंपल पास्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आप सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ. वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में. वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको यूज़ करते हैं. जैसे प्रे का सेकेंड फॉर्म है प्रेड, राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है और उसके पहले वॉज या वर आता है. वॉज या वर प्लस इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. इससे कि राइट का राइटिंग है, राइट के बाद आई एन जी यूज होता है. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है. कंटिन्यूस फॉर्म में हमेशा वर्ब के पीछे आई एन जी यूज होता है. ओके, अब ये बाकी के जैसे हम टेंस पे जाएंगे उसके बाद मैं ये समझाऊंगी. यहाँ पे सारे बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 5. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. Long ago, there was a forest full of trees laden with ripe, juicy guava, mangoes, apples and pears. But the birds which lived there were unhappy. See, इसने सिंपल बोला कि past tense लिखना है, तो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे सिंपल से इसने बोल दिया कि past tense लिखना है, तो be का past tense के verbs हैं was या were. Long ago, there was a forest. कोई यहाँ पे plural sense नहीं दे रहा है ना कि एक forest था. ये आया ना, एक forest. तो यहाँ पे हमने वॉज को यूज किया है. नाउ बट द बर्ड्स विच लीव्ड. ओके, बर्ड्स. अब बर्ड्स प्लूरल है तो भी यहाँ पे कोई यस और यस की झंझट नहीं है जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में थी. आराम से आपको लीव का लीव्ड लिखना है. लीव है यहाँ पे दिया हुआ तो इसका पास्ट टेंस है लीव्ड. बहुत ईजी वाला टेंस है ये सबसे. और ये एक ही टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ब के 3 फॉर्म्स हैं.
सेकेंड फॉर्म जो है सिर्फ ये एक टेंस है जिसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. विच लीव्ड देयर वर अनहैप्पी. दे वांटेड टू ईट ग्रेन्स. वन मॉर्निंग द बर्ड्स आ लॉट ऑफ ग्रेन्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड. दे सैट डाउन टू ईट द ग्रेन्स. सडनली टू बर्ड कैचर्स रश्ड आउट फ्रॉम द नियर बाय बुशेस एंड थ्रू ए ह्यूज नेट ऑन द बर्ड्स फीडिंग ऑन ग्रेन्स. ओके, तो यहाँ पे पहले लिखने से पहले आपको वर्ब के थ्री फॉर्म्स जो हैं वो याद करने हैं. वर्ब के थ्री फॉर्म्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी चिल्ड्रन, तो जल्दी ही आपको होपफुली मैं वो भी अपलोड करूँगी. वर्ब के थ्री फॉर्म्स आपको याद करने हैं, अदरवाइज ये चैप्टर टफ लगता है. ना सी, यहाँ पे पहले हम रिमेंबर देख लेते हैं. सिंपल पास्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में जो एक्शन हुआ है ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. इट डैश ब्रैकेट में दिया है रेन, तो देखो यहाँ पे हेवीली. वॉज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूस बोला तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लेंगे. अब रेन के साथ आई एन जी ऐड करना है, क्यों? कंटिन्यूस टेंस है भाई, इसलिए पीछे आई एन जी को ऐड करना है. ओके, हेवीली. एंड मनन वॉज स्नीजिंग कंटिन्यूसली. मनन वॉज स्नीजिंग. मनन सिंगुलर है तो हमने वॉज लिखा है. स्नीजिंग छींक रहा है. स्नीज पीछे आई एन जी लिखना है. वाई? कंटिन्यूस टेंस है. एंड मनन वॉज स्नीजिंग कंटिन्यूसली. मदर वॉज मेकिंग हर्बल टी. वॉज क्यों यूज़ किया हमने? मदर सिंगुलर है इसलिए आई एन जी यूज़ करना है. कंटिन्यूस टेंस है. फॉर हिम आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क बट मनन्स लाउड स्नीजिंग वॉज डिस्टर्बिंग मी. ओके, नाउ नेक्स्ट देखो. As a child, Smriti was always complaining about one thing or the other. Now let us look at the third one. The day was getting brighter and Shruti was still sleeping on her bed. She was in fact snoring. Okay, तो यहाँ पे सारा कौन सा tense use हो रहा है? Past continuous tense use हो रहा है. Okay, now let us look at the fourth one. The minister was delivering. Singular है इसलिए was use किया है. His speech. But people were. देखो children, अब आया है were. इतने सारे examples में मैं ढूंढ रही थी कि were एक भी नहीं दिया करके. यहाँ पे आया है were. People क्या है? Plural है, तो इसलिए हमने use किया were. Hardly listening. Hardly listening माने बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं. Hardly negative sense देता है. Okay? Hardly listening का मतलब है बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं. इसको ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल से सुन रहे हैं, कि कोई नहीं सुन रहा. इसका मतलब है कोई नहीं सुन रहा है. द मिनिस्टर वॉज डिलीवरिंग स्पीच बट पीपल वर हार्डली लिसनिंग. सम ऑफ देम वर टॉकिंग टू वन एंड अदर. एक दूसरे से बात कर रहे थे कुछ लोग. वर यूज़ हुआ क्योंकि सम ऑफ देम बोला है, प्लूरल सेंस देता है. वाइल अदर्स वर, अदर्स प्लूरल सेंस है इसलिए वर यूज़ किया. वर सिंपली एंजॉइंग अ क्विक नैप. कुछ लोग तो बिल्कुल सो रहे थे जब मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे. क्लियरली द स्पीच वॉज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल. ओके, नाउ यहाँ पे इस टेंस को देखो. पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 6. सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस. आई पेंटेड माई रूम yesterday. yesterday दिया है तो हम सिंपल पास्ट को यूज करेंगे. I was painting my room at 5 PM yesterday. कल इस टाइम पे मैं क्या कर रहा था? I was painting my room at 5 PM. तो टाइम दिया है इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यहाँ पे यूज़ किया है. ओके, सी यहाँ पे इसने परफेक्ट यूसेज कब होता है दिया है. सिंपल पास्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए कम्प्लीटेड एक्शन. एक एक्शन जो कम्प्लीट हो गया उसको हम सिंपल पास्ट में बताएंगे. वेयर एज पास्ट कंटिन्यूस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. जस्ट लाइक कि आप टीवी देख रहे हो शाम के टाइम पे बेड के 7 बजे और आपके पापा आए हैं. अब आप अगले दिन आपके फ्रेंड को बताते हो कि यार कल रात को तो मैं टीवी देख रहा था और पापा आ गए अचानक. तो अब आप उसको कैसे बताओगे कि yesterday I was watching TV, suddenly my father arrived. कौन सा टेंस हुआ यहाँ पे? दो एक्शंस हुए हैं, एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, एक सिंपल पास्ट टेंस में है. ओके, तो ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है वो सिंपल पास्ट टेंस के साथ आता है, ये मुझे बताना था आपको. अब यहाँ पे देखो ये एक्सरसाइज उसी चीज़ को समझा रही है.
fill in the blanks using the correct tense, either simple past or past continuous of the verbs given in the brackets. Ekta dropped her purse accidentally while she was boarding the metro. एक एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, जैसे कि एकता जो है मेट्रो में बोर्ड कर रही थी, यानी मेट्रो में चढ़ रही थी, ये कंटिन्यू था. तो उसकी पर्स जो छूट गई, ये एक्सीडेंटली छूट गई, ये एक्शन बीच में आके इस एक्शन को रोक रहा है. तो जो एक्शन आके रोक रहा है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, और जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे. क्लियर है? Now let us move to the second one. I was telling a story to my daughter when the guests arrived. मैं स्टोरी बोल रही थी, ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा था. जब गेस्ट आए तो ये एक्शन बाद में हुआ है, जो एक्शन बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लेंगे. और जो एक्शन, लुक एट द नेक्स्ट वन. When the thief realized that the policeman was looking at him, he ran away. देखो यहाँ पे क्या, कौन सा एक्शन हो रहा था. पहले पुलिसमैन जो है थीफ की तरफ देख रहा था, द पुलिसमैन वॉज लुकिंग एट हिम. बाद में थीफ को रियलाइजेशन हुआ, भाई पुलिस मेरे तरफ देख रहा है. तो ये सिंपल पास्ट में है और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है. उसने क्या किया, रैन अवे, खड़ा रहेगा क्या, क्या आखिर पकड़ो मेरे को करके. देन नेक्स्ट फोर्थ वन, जस्ट एज आई वॉज गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस इट स्टार्टेड रेनिंग. I was going out of the office. मैं बाहर जा रहा था ऑफिस से. It started. देखो यहाँ पे past tense use हुआ है, इसने underline नहीं दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने लिख दिया past continuous tense को, लिख दिया यहाँ पे, ये past tense था, इसने underline नहीं दिया है, started इसने खुद ने दे दिया है. Okay? ED वाला past tense है ना. Now let us look at the fifth one. My fever was getting worse. So I went to the doctor. भाई फीवर बढ़ रही थी, वर्स कंडीशन में जा रही थी, तो इसलिए डॉक्टर के पास गया. तो ये कंटिन्यू हो रहा था, डॉक्टर के पास नहीं जाता तो पता नहीं क्या होता, इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास गए. और लेट अस लुक एट द सिक्स्थ वन. ज्योति फ्रैक्चर्ड हर हैंड व्हाइल शी वॉज हॉलीडेइंग इन जयपुर. जयपुर में हॉलीडे के लिए आई थी तो उस टाइम पर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया. तो ये कंटिन्यूएशन में था, ये एक्सीडेंटली हुआ है. I saw the Eiffel Tower when I was staying in Paris. Paris में हम long time के लिए रुके थे तो उस time पर हमने Eiffel Tower को देखा था. This is the meaning of this sentence. When the principal came into the class, everybody was making mischief. हर कोई mischief, शरारत कर रहा था. तो ये action continue हो रहा था. The girls were singing songs loudly and the boys were making paper balls. तो ये सारी actions continue हो रहे थे तो suddenly कौन आ गए, प्रिंसिपल आ गए. व्हेन द प्रिंसिपल केम, तो इसको हमने यूज़ किया सिंपल पास्ट टेंस में. और सारे एक्शंस जो पहले यूज़ हो रहे थे, उनको हमने यूज़ किया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. गर्ल्स प्लूरल है इसलिए हमने वर यूज़ किया है. ओके, बॉयज़ प्लूरल सेंस देते हैं इसलिए हमने वर को यूज़ किया है. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 7. Fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs given in the brackets. Present perfect tense बोला है ना children? See यहाँ पे एक बार देखना present perfect tense कैसे लिखते हैं. Has और have use होगा. Perfect tenses में हमेशा has, have या had use होंगे. और present perfect tense में has और have use होगा. Past participle form of the verb. ये क्या है अब? Verb का third form है. Verb का जो third form होता है ना, जैसे eat, ate, eaten, तो eaten verb का third form है. तो verb का यहाँ पे third form use होगा. Okay? Now, let us look at the first one. My parents have agreed to send me to the picnic. Agree दिया हुआ है. Third form agreed है, तो agreed लिख दिया. अब ये present perfect tense है, तो हमने यहाँ पे have को use किया है. मैं parents plural है ना, इसलिए हमने have को use किया है. The teacher has called. अगर singular है तो has use करेंगे, अगर plural है तो have use करेंगे. Okay? The teacher has called my parents for a meeting. Call का third form called use हुआ है. Vikram has got a new computer. He can work much faster now. Has got. Vikram singular है इसलिए has use किया है. Get, got, got. Verb का third form क्या है? Got है. Get का third form got है. तो यहाँ पे हमने got को use किया है. Now let us look at the fourth one. Rahul has fallen from the stairs. We must take him to a doctor. Have fall, fell, fallen. Third form fallen है. और Rahul
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ यूज़ किया है. प्राइस ऑफ द बेसिक कमोडिटीज हैव राइजन शार्पली ओवर द लास्ट 2 months. Although the government has taken a lot of measures to control the situation, people do not look satisfied. Prices है यहाँ पे, prices को देखना है हमें, तो prices है plural है तो इसलिए have use किया है. Government singular है तो has use किया है. Rise का third form risen है, take का third form taken है. Now let us look at the sixth one. Have you found your mobile phone? ये question mark है तो ये question है, इसलिए हमने यहाँ पे have को पहले use किया है. Find का third form of the verb है found. No. Have you seen it anywhere? Have use किया हमने. See का second form है saw और third form है seen. तो हमने यहाँ पे seen को use किया है क्योंकि यहाँ पे already इसने ऊपर mention कर दिया कि present perfect tense को use करना है, तो कोई confusion तो है नहीं इसमें. I have finished my homework. Now can I come with you to the mall? 8th one. I have stayed in this hotel twice. It has really nice rooms. See, I singular है but फिर भी हम have को use करते हैं क्योंकि I जो है, जैसे मैं एक special status है ना, मैं आया हूँ, मैं बैठूँगा, के हम अपने आप को special importance देते हैं ना, तो वैसे ही I है. English में I जो है special status रखता है. तो आई सिंगुलर है, एक है, लेकिन हमें हैव आएगा. अगर आप हैज लिखोगे तो वो रॉन्ग है चिल्ड्रन. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. सी यहाँ पे रिमेंबर है, इसको देख लेना. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड. जो अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी जब हम बात कर रहे हैं ना उस टाइम पे है, तो भी हम इस टेंस को यूज़ करते हैं. जैसे ये सेंटेंस देखो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. मेरा होमवर्क हो गया. नाउ कैन आई कम विथ यू टू द मॉल. तो क्या मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ? अब ये वही है कि होमवर्क हो गया लेकिन वो रिलेट कर रहा है अभी. अब तुम मॉल जा रहे हो ना, तो उसके साथ आने के लिए वो एक्शन रिलेट कर रहा है. तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 8. सी यहाँ पे वापस मैं एक और बार टेबल पे आई हूँ. देखो सिंपल पास्ट, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट जो है हैज़ और हैव यूज होता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. ओके, मैं यहाँ पे जो डिफरेंस है आपको बताने के लिए आई हूँ. पास्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है. सी मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है कि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज. सी रिमेंबर जो है, एक बार इसको रीड कर देती हूँ चिल्ड्रन. इफ़ ए पास्ट एक्शन हैज़ ए लिंक विद द प्रेजेंट, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर कोई भी पास्ट एक्शन जो है वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं. इफ़ ए पास्ट एक्शन हैज़ नो लिंक विद द प्रेजेंट, वी यूज़ सिंपल पास्ट. ओके, ऑल्सो रिमेंबर दैट वी डू नॉट यूज़ एनी पास्ट टाइम रेफरेंस सच एज यस्टरडे, लास्ट वीक एक्सेट्रा विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर वर्ड्स यस्टरडे, लास्ट वीक ऐसे देखो तो वो सिंपल पास्ट है. ये किससे रिलेट करता है? सिंपल पास्ट से. यस्टरडे, लास्ट वीक आए तो सिंपल पास्ट है. ओके, Some verbs in the sentences given below have been used in wrong forms. यहाँ पे mistakes दिए हुए हैं. Underline them and write the correct forms. One has been done for you. See, I have met him yesterday. Have कौन सा tense है? Have है और met verb का third form है meet, met, met. तो ये है present perfect tense. Present perfect tense में कभी भी word yesterday नहीं आता है. अगर yesterday दिया है तो हमें यहाँ पे simple past tense use करना है. I met him yesterday is the correct answer. Now let us look at the second one. I knew him since his childhood. Since used हुआ है. Since present perfect tense में use होता है, ना कि simple past tense में. तो यहाँ पे I have known him since childhood. Okay? I have known him since childhood. New यहाँ पे mistake है. Past tense नहीं use होगा. Now let us look at the third one. Various new inventions and discoveries by our scientists made our lives extremely comfortable. अब यहाँ पे देखो मेड है, यानी पास्ट टेंस में है ये. तो अभी भी तो न्यू इन्वेंशन चल रहे हैं और उन चीज़ों से अभी भी हम कंफर्ट यूज़ कर रहे हैं.
तो हम यहाँ पे हैव मेड लिखेंगे. पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, मेड की जगह पे हम हैव मेड लिखेंगे. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ वन. द दिल्ली मेट्रो मेड कम्यूटिंग अ कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर द पीपल. मेड नहीं, हैज मेड, क्योंकि अभी भी कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस पीपल वहाँ पे फील कर रहे हैं. तो क्या आएगा, द दिल्ली मेट्रो हैज मेड, इंस्टेड ऑफ मेड हम क्या लिखेंगे, हैज मेड कम्यूटिंग अ कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर द पीपल. ओके, डॉक्टर लेनेक ऑफ फ्रांस हैज इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप इन 1816. अब देखो ये 1816 कब हुआ, कम्प्लीटली पास्ट है, बिफोर 100 ईयर्स हुआ है इन्वेंशन. तो यहाँ पे हम हैज को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, तो हैज़ यहाँ से हट जाएगा, सिंपली हम इन्वेंटेड लिखेंगे. जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों यहाँ पे सेम है, इन्वेंटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी इन्वेंटेड है. कई सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनको वीक वर्ब्स कहते हैं, जो पीछे सिंपली ईडी लेते हैं. सी यहाँ पे डॉक्टर लेनेक ऑफ फ्रांस इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप इन 1816, इन्वेंटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सिक्स्थ वन. द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप हैज एक्चुअली हैपेंड एक्सीडेंटली. अब नाउ इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप हैपेंड एक्सीडेंटली, यहाँ पे हैज नहीं आएगा क्योंकि कहीं पे भी ये प्रेजेंट से रिलेट करता हुआ सेंटेंस नहीं दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, हैपेंड एक्सीडेंटली. यहाँ पे आपके कंफर्ट के लिए जो जो चेंजेस हुए हैं ना, उनको मैंने अंडरलाइन किया है. ओके, इनको एक बार आप लोग देख लेना कि जो जो चेंजेस हैं मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है. Now let us look at the seventh one. The state government built 7 new flyovers recently to tackle the increasing traffic. Built, ये इसमें fault है. यहाँ पे आएगा आपको has built. The officials hope this will save at least 30 minutes of travel time. See, यहाँ पे traffic increase हो रहा है, अभी भी increase हो रहा है, तो उसको tackle करने के लिए, उस problem को solve करने के लिए state government ने 7 new flyovers को build किया है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे the state government has built. ओके, ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ. 7 न्यू फ्लाईओवर्स रिसेंटली टू टैकल द इंक्रीजिंग ट्रैफिक. अब बाकी का सेंटेंस सेम आएगा चिल्ड्रन. द ऑफिशियल्स होप दिस विल सेव एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रैवल टाइम. ओके, नाउ लेट अस लुक एट सी सेक्शन. फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे देखो ब्रेकिंग न्यूज़ दिया हुआ है. द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कपूर हैज़ डोनेटेड 50 लाख टू एन ऑर्फनेज. अब यहाँ पे हमने लिखा हैज़ डोनेटेड. मिस्टर कपूर हैज़ हैंडेड ओवर द चेक टू द मैनेजर ऑफ द ऑर्फनेज दिस मॉर्निंग. यहाँ पे भी हैज़ हैंडेड आया. मिस्टर कपूर मेड मेनी सच डोनेशंस इन द पास्ट. यहाँ पे कम्प्लीटली पास्ट यानी पहले दे चुके हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेड लिखा है. Now let us look at the second one. Mr. Sharma of Delhi has become the first person to walk through the entire nation on foot. It has taken him 4 years to complete this feat. यहाँ पे has become the first person. अभी वो first person बने हैं, तो हम यहाँ पे present perfect tense को use करेंगे. यहाँ पे भी has taken him 4 years. एक और बात जो है children याद रखना, अगर जैसे ago, past, yesterday ऐसे words हैं तो वहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करना है. अदरवाइज वो अगर रिलेट कर रहा है प्रेजेंट से कहीं पे भी, तो हम उसको सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे. जैसे क्लास में वर्क कर दिया तो हम कौन से टेंस में बोलते हैं, मैम आई हैव डन द वर्क. तो आई हैव डन द वर्क कौन सा टेंस है, ये दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इसको हम बचपन से बोलते हैं ना, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क मैम. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. आई डिड द वर्क पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. बट हम जब क्लास में वर्क करते हैं तो हम आई डिड द वर्क नहीं, आई हैव डन द वर्क कहते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन. द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मंडे अ पब्लिक हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ द सडन डिमाइस ऑफ द मिनिस्टर. द मिनिस्टर डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक. अब यहाँ पे देखो डिक्लेयर्ड है, पास्ट टेंस में दिया है, लेकिन हम यहाँ पे हैज डिक्लेयर्ड लिखेंगे. द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड. ओके, मेड, अब यहाँ पे मंडे अ पब्लिक हॉलीडे, अब यहाँ आएगा डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक. यहाँ पे द मिनिस्टर हैज़ नहीं बोलेंगे, द मिनिस्टर डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक बोलेंगे. ओके, नाउ दिस इज़ कि ये हैज़ डिक्लेयर्ड मंडे को हॉलीडे डिक्लेयर किया है, एंड देन ये पहले हो गया था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ किया है. और यहाँ पे जो बाकी के एक्सरसाइज हैं चिल्ड्रन, जैसे मैंने वीडियो के पहले में बोला था कि इसका मैं सेकेंड वीडियो अपलोड कर दूँगी
और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, डू गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस.